हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज सचिन मिश्रा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द साइंटिफिक टेक्निक्स बाई टेलर। तो टेलर के द्वारा जो साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट दी गई हैं, आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके पहले जो इनकी जो फर्स्ट टेक्निक है फंक्शनल फॉर्मेंस, उसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। उसके पहले का जो वीडियो रहा है अपना, उसमें मैंने उस टेक्निक के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग सेकंड, इतने जितनी भी रिमेनिंग टेक्निक्स हैं, जैसे कि सेकंड टेक्निक आपकी स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क है। इसके बाद फिर आपकी जो वर्क स्टडी है, वर्क स्टडी के अंदर हम चार पढ़ेंगे, फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। और इसके अलावा आपकी जो नेक्स्ट आएगी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क आएगा, ठीक है, और मेंटल रिवॉल्यूशन, स्टैंडर्डाइजेशन एक डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम और मेंटल रिवॉल्यूशन। तो इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वाले वीडियो में, ठीक है। तो उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क के, आखिर ये टेक्निक क्या बोलती है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो बात की जाएगी वो स्टैंडर्ड सेट करने की बात की जाएगी, चाहे वो मशीन से रिलेटेड स्टैंडर्ड हो, मशीन का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, रॉ मटेरियल का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, आउटपुट का स्टैंडर्ड क्या हो, जो भी इनपुट्स हम लोग उसमें कर रहे हैं तो उनका स्टैंडर्ड क्या हो, तो सभी चीजों का स्टैंडर्ड यहाँ पे सेट किया जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे जैसे कि क्या है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलवेज इंफेसिस ऑन मेंटेनिंग स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू एवरी स्टेप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट में बेटा, यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट इज पॉसिबल इफ स्टैंडर्ड इज मेंटेन राइट फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ टूल्स, यानी कि हमें जब स्टैंडर्डाइजेशन हम लोग करेंगे तो हमें सही टूल्स का सिलेक्शन करना है, इक्विपमेंट का सिलेक्शन करना है, मशीन्स का जो भी हम यूज कर रहे हैं, फॉर मैक्सिमाइज द आउटपुट बाई कीपिंग इन माइंड द क्वालिटी स्टैंडर्ड। और क्वालिटी स्टैंडर्ड का भी हमें ध्यान रखना है। और स्टैंडर्डाइजेशन डज नॉट मीन ओनली क्वालिटी स्टैंडर्ड, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब केवल क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करना नहीं होता है, बल्कि इट रिफर्स टू सेटिंग अप स्टैंडर्ड फॉर साइज, टाइप, वेट, मेजर्स एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। मतलब हर बेस पे हम स्टैंडर्डाइजेशन फिक्स कर देंगे कि हमारे प्रोडक्ट का साइज क्या होगा, टाइप क्या होगा, उसका वेट क्या होगा, इसके अलावा मेजर्स क्या होगा, मतलब क्वांटिटी वगैरह ये सब बिट्स वगैरह, एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की हमारी क्वालिटी कैसी रहेगी, क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू टेलर साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी सिलेक्टेड टू डेवलप स्टैंडर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रोडक्शन के सिलेक्ट किए जाते हैं स्टैंडर्ड डेवलप करने के लिए। टू सेटअप स्टैंडर्ड द मैनेजर मस्ट मेक यूज ऑफ वर्क स्टडी। तो स्टैंडर्ड सेट करने के लिए मैनेजर को क्या करना पड़ता है, वर्क स्टडी टेक्निक को फॉलो करना पड़ता है, विच इंक्लूड, जिसमें हम लोग चार चीजों के बारे में बात करेंगे जब वर्क स्टडी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी एंड इन चारों के बारे में बात करेंगे। इवन मॉडर्न टेक्निक सच एज केजान सिग्मा, केजान सिक्स सिग्मा एक्सेट्रा कैन बी यूज टू सेटअप द स्टैंडर्ड्स, इनका भी यूज किया जा सकता है। कंपनीज लाइक नोकिया, एप्पल, नाइकी, वीडियोकॉन, सैमसंग आर यूजिंग टेक्निक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सभी बड़ी कंपनियां जो यूज करती हैं वो स्टैंडर्डाइजेशन की टेक्निक का एक तरह से यूज कर रही हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे इसके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे। तो इसमें जैसे कि पहला जो ऑब्जेक्टिव बताया गया है वो टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये एक तरह से सिंप्लीफिकेशन को बोलते हैं। तो गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट जो भी रेंज है तो उसको एक तरह से रिड्यूस करना, ये इसको हम बोलते हैं, इसके हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड, टू अलाउ इंटरचेंजेबली ऑफ मैन्युफैक्चर पार्ट एंड आउटपुट अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड ब्रांचेज। जो एक डिफरेंट डिपार्टमेंट और ब्रांचेज हैं वो एक तरह से अपने पार्ट वगैरह को एक तरह से एक्सचेंज कर सकें, तो उसको अलाउ करना। थर्ड है टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड, यानी कि क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना कि क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या रहेंगे, क्वालिटी पे फोकस करना। नेक्स्ट है टू सेटअप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऑफ मैन एंड मटेरियल, मैन एंड मटेरियल की परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट करना, क्लियर। अब यहाँ पे बात की गई कि सिंप्लीफिकेशन इम्फेसिस ऑन इन, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो बात की गई है वो सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात की गई कि सिंप्लीफिकेशन मेनली किसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन इम्फेसिस ऑन एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, साइज एंड टाइप्स। तो ये सिंप्लीफिकेशन की मीनिंग है कि जो एक तरह से एलिमिनेट करेंगे हम क्या अननेसेसरी जो डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, साइज है या फिर टाइप्स हैं उसके। जैसे कि अगर एक कंपनी कई सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स की अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो उसको एलिमिनेट कर दो, उसका प्रोडक्शन बिल्कुल बंद कर दो,
क्योंकि आपको फालतू में उसमें मशीनरी लगानी पड़ रही है, लेबर लगानी पड़ रही है, इतनी डिमांड मार्केट में है नहीं उस प्रोडक्ट की, ठीक है, और इसके अलावा उसको रॉ मटेरियल वगैरह रखना पड़ रहा है, इन्वेंट्री रखनी पड़ रही है, तो उसमें पैसा फंसा होता है, कॉस्ट इसके वजह से ज़्यादा आती है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो एज मोर वेराइटी मीन मोर इन्वेंट्री, साफ साफ उन्होंने लिखा है कि अगर मोर वेराइटी होगी तो इसका मतलब ज़्यादा इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, मोर टाइप ऑफ मशीन रखनी पड़ेगी, मोर लेबर रखनी पड़ेगी इस तरीके से। तो भाई सिंप्लीफाइंग द टास्क देयर कैन बी इकोनॉमी इन यूज ऑफ मशीन, अगर हम सिंप्लीफाई कर देंगे उस प्रोडक्ट को हटा देंगे, जैसे हम अगर 500 वैरायटी की प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर उसमें से कोई 20 वैरायटी के प्रोडक्ट हमारे मतलब डिमांड में नहीं है तो उनको एक तरह से एलिमिनेट करो, हटा दो, ठीक है, जिससे क्या होगा, इकोनॉमिकल होगा वो डिसीजन, क्योंकि इससे मशीन की कॉस्ट कम आएगी, लेबर की कॉस्ट, इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, तो इट विल ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आप पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन USA reduce its variety from 2000 से 200 which brought positive results of the company for the company। तो एक कंपनी ने क्या किया कि 2000 variety की जो पेपर बना रही थी उसको reduce करके उन्होंने केवल 200 variety कर दी, तो इसका हालांकि उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिला। अ फ्रूट कैन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिड्यूस वेराइटी फ्रॉम 200 टू 32 एंड गॉट एफिशियंट एंड इफेक्टिव रिजल्ट। एक जो फ्रूट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी वो एक तरह से 200 टाइप के एक तरह से प्रोडक्ट फूड मैन्युफैक्चर कर रही थी, अब उसने उसको रिड्यूस करके 32 पे ला दिया, जिससे क्या है कि जो उतना भी उन्होंने प्रोडक्शन करा वो एफिशिएंट रहा और फैक्टर उसको रिजल्ट देखने को मिले, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब हम आगे जब बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारी जो टेक्निक है यानी कि हम बात करने वाले हैं वर्क स्टडी के बारे में। तो वर्क स्टडी में बेटा क्या है कि यहाँ पे हम चार चीज़ों के बारे में बात करेंगे, फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं यानी कि वर्क स्टडी के बारे में क्या बोला गया है। तो वर्क स्टडी इट इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है और मिनिमम कॉस्ट पे, एंड गेटिंग बेस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरी फैक्टर इट इंक्लूड। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं फटीग स्टडी यानी कि वर्कर्स की थकान के बारे में, यानी कि अगर वर्कर कंटिन्यू काम करेंगे तो वो थक जाते हैं, ठीक है, वो टायर्ड फील करते हैं, तो उनको एक ब्रेक की जरूरत होती है, तो उनको कितना ब्रेक दिया जाए, ठीक है, इसके अलावा कितने टाइम का गैप ब्रेक मिलेगा उनको, है ना, तो इसको इसकी हम लोग स्टडी करेंगे फटीग स्टडी में, और इसमें एक एवरेज वर्कर को एक तरह से मतलब एवरेज वर्कर पर ये स्टडी की जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर फटीग स्टडी में बात करते हैं। दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कंडक्टेड टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, एक तो हम फाइंड करेंगे ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, के रेस्ट इंटरवल की ड्यूरेशन क्या होगी, 15 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, 10 मिनट का दिया जाएगा, 30 मिनट्स का, इस तरीके से, एंड नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, कितने रेस्ट इंटरवल दिए जाएंगे, ठीक है, एक दिन में, जैसे बैंक वगैरह में आप देखते हैं तो उनका एक लंच टाइम रहता है अप्रॉक्स 2 o'clock, और इसके अलावा एक शाम को उनका इवनिंग ब्रेक अलग रहता है आफ्टर 5 PM के अप्रॉक्स जो भी। तो इस तरीके से कि वहाँ पे नंबर ऑफ टाइम इंटरवल्स रहते हैं, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में भी अगर बच्चा कंटिन्यू स्टडी करेगा तो वो थक जाएगा, तो इसलिए उसको बीच में गैप दिया जाता है, यानी कि जिसको लंच टाइम या ठीक है तो लंच ब्रेक मिलता है उसको, जो भी स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है 15 मिनट 20 मिनट कितने मिनट का दे रहा है, जिससे मतलब बच्चा फिर से रिफ्रेश फील करे मतलब कुछ भी लंच वगैरह लेके। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि पर्सन इज बाउंड टू गेट टायर्ड व्हेन ही इज परफॉर्मिंग अ जॉब फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो अगर कोई बंदा अगर कंटिन्यू लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक काम करता है तो वो थक जाता है, तो देर इज ऑलवेज नीड फॉर रेस्ट इंटरवल, इसलिए किसकी जरूरत होती है, रेस्ट इंटरवल की जरूरत होती है। टेलर सजेस्टेड दैट द टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल शुड नॉट बी डिसाइडेड बाई द विश एंड एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर, तो टेलर का मानना है कि मैनेजर को अपनी विश के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो टाइम डिसाइड नहीं करना चाहिए, बल्कि एक फटीग स्टडी करनी है। तो बट टू गिव अ साइंटिफिक अप्रोच फटीग स्टडी मस्ट बी कंडक्टेड, उसके लिए एक एवरेज वर्कर को हम ऑब्जर्व करेंगे नंबर ऑफ टाइम्स। तो यहाँ पे टू कंडक्ट फटीग स्टडी टेलर सजेस्टेड टू ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर, टेलर का मानना था कि आपको एक एवरेज वर्कर को ऑब्जर्व करना है when he is performing a job and note down the time when that worker start getting tired and when his efficiency level start decreasing, then
गिव हिम ब्रेक, उसके बाद उसको ब्रेक देना है, और दिस टाइम कैन बी नोटेड टू डिसाइड फ्रिक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, और इस टाइम को नोट कर देना है कि कितने देर बाद आपने उसको ब्रेक दिया और कितने टाइम में ब्रेक दिया है, एंड ड्यूरिंग ब्रेक आफ्टर हाउ मच टाइम द वर्कर बिकेम फ्रेश टू रिज्वाइन द वर्क कैन बी द टाइम फॉर रेस्ट इंटरवल. सो फ्रिक्वेंसी एंड टाइम फॉर रेस्ट इंटरवल इज फिक्स बाई ऑब्जर्विंग वर्कर, डेफिनेटली इट विल बिकम मोर साइंटिफिक. तो इसमें ये चीज लास्ट वाली लाइन ध्यान रखनी है कि अगर मतलब जो फ्रिक्वेंसी और टाइम ऑफ रेस्ट इंटरवल अगर डिसाइड किया जाता है, फिक्स किया जाता है बाई ऑब्जर्विंग वर्कर, डेफिनेटली इट विल मोर साइंटिफिक. तो ये ज्यादा साइंटिफिक माना जाएगा. क्लियर. अब आगे इसमें बात की गई है एग्जाम्पल, जैसे उन्होंने दिया कि देयर आर थ्री शिफ्ट ऑफ वर्क. जैसे अगर वर्क की थ्री शिफ्ट हैं, जैसे मान लो किसी फैक्ट्री में या मान लो किसी पेट्रोल टैंक पे वर्कर्स की ड्यूटी, तो इफ आफ्टर वन शिफ्ट वर्कर गेट टायर्ड ही कैन बी असाइंड फर्स्ट एंड थर्ड शिफ्ट एंड गिवन रेस्ट इंटरवल इन सेकेंड शिफ्ट. तो ऐसा हो सकता है कि उस किसी बंदे को फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट दे दी, सेकेंड शिफ्ट के लिए उसको इंटरवल दे दिया. ड्यूरिंग वन शिफ्ट ऑल्सो स्मॉल पॉजेस of rest interval can be given. If it is observed, then within a shift worker become more fresh with small breaks. ठीक है. तो आगे बात करते हैं भाई हम नेक्स्ट स्टडी के बारे में, जो कि है मेथड स्टडी. तो मेथड स्टडी में जो बेसिकली बात की गई है वो किसके बारे में बात की गई मेथड स्टडी में, तो यहाँ पे वन बेस्ट जो सुटेबल मेथड होगा उसको सिलेक्ट करने के बारे में बात की गई है कि बेस्ट सुटेबल मेथड आखिर कौन सा होगा. देखो हर काम को करने का एक बेस्ट सुटेबल मेथड होता है जिससे वो काम एफिशिएंटली परफॉर्म किया जा सकता है. तो यहाँ पे द मेथड स्टडी टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द वन बेस्ट मेथड और वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब. तो यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वन बेस्ट मेथड की बात कर रहे हैं. तो दिस मेथड स्टडी टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कंडक्टेड टू फाइंड आउट वन बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब विच कीप्स प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम, और जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट एक तरह से जिसकी कम होगी, एंड मेक्स मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एंड आगे उन्होंने टेलर का क्या मानना था कि टेलर सजेस्टेड मेथड ऑफ प्रोडक्शन शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय रूल ऑफ थंब मेथड और हिट और ट्रायल मेथड. तो मेथड ऑफ प्रोडक्शन को एक तरह से रूल ऑफ थंब मेथड से या फिर हिट और ट्रायल मेथड से सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, बट ऑल दी मेथड मस्ट बी ट्राइड इन दी ऑर्गेनाइजेशन एंड दी वन विच ब्रिंग्स मैक्सिमम बेनिफिट विद मिनिमम कॉस्ट मस्ट बी सिलेक्टेड. और ऐसे मेथड को सिलेक्ट करना चाहिए कि जिसकी मिनिमम कॉस्ट हो और मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा हो. तो टू डिटरमाइन द बेस्ट वे देर आर सर्टेन पैरामीटर. तो कुछ पैरामीटर्स हैं फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टिल द फाइनल प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड. तो टेलर डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन बाई यूजिंग मेथड स्टडी. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट. तो स्टडी जो मेथड स्टडी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मिनिमाइज द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन. क्वालिटी इंप्रूव करना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव करना. जैसे फोर्ड मोटर यूज दिस कॉन्सेप्ट वेरी सक्सेसफुली. फोर्ड जो मोटर है या मारुति सुजुकी है वो इसका बहुत ढंग से यूज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दिया है कि फॉर प्रोडक्शन ऑफ शूज देयर कैन बी लेबर इंटेंसिव मेथड एंड मशीन इंटेंसिव. देखो शूज का मैन्युफैक्चर करना है तो उसके दो मेथड हो सकते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक या लेबर इंटेंसिव मेथड और कैपिटल इंटेंसिव यानी कि मशीन वाला. ठीक है. तो मशीन इंटेंसिव जो आपने इकोनॉमिक्स में भी हालांकि पढ़ रखा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में. टू फाइंड आउट विच इज बेस्ट मैनेजमेंट मस्ट इवेल्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो यहाँ पे कौन सा मेथड बेस्ट होगा तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको मतलब कंपेयर करनी है, वैल्यूड करनी है विद बोथ दी मेथड एंड कंपेयर बोथ दी मेथड विद द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी. और उसके बाद अवेलेबल रिसोर्सेज से भी कंपैरिजन हमें करना है. ठीक है. तो दी मेथड विच इन्वॉल्व मिनिमम कॉस्ट एंड एक्सप्लॉइट्स मैक्सिमम रिसोर्सेज मस्ट बी सिलेक्टेड एज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन. तो जिसकी तरह से मिनिमम कॉस्ट आ रही होगी, जो मैक्सिमम एक तरह से प्रोडक्शन दे रहा होगा, ठीक है, तो वो उस मेथड को सिलेक्ट करना चाहिए. तो ये हो गया मेथड स्टडी. हम बात करते हैं टाइम स्टडी के बारे में. तो टाइम स्टडी में मेनली जो बात की जाएगी वो मतलब ये है कि कोई भी जॉब परफॉर्म हो रही है तो उस जॉब परफॉर्म करने में कितना टाइम टेकिंग होगा. ठीक है. स्टैंडर्ड टारगेट कितना वर्कर का सेट करेंगे कि इतने टाइम के अंदर वर्कर को इतना काम करना है. तो उसके लिए इन्होंने एक सजेस्ट किया था टाइम स्टडी के बारे में. तो टाइम स्टडी में आपको क्या ध्यान रखना है कि द टेक्निक ऑफ टाइम स्टडी इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन और दी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी आर. तो इस स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है. जैसे पहला है द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, कि एक जॉब को परफॉर्म करने में कितने रिक्वायर्ड टाइम की रिक्वायरमेंट होगी. इसके अलावा सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टारगेट ऑफ वर्कर, और उसके अलावा वर्कर्स के स्टैंडर्ड टारगेट को सेट करना,
नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, एक जॉब को परफॉर्म करने में यानी कि कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा कैटेगराइजिंग द वर्कर इन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट, कि इसके अलावा उनको कैटेगराइज करना कि कौन से वर्कर एफिशिएंट है और कौन से वर्कर कैसे इनएफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब जो अपने टारगेट अचीव कर रहे होंगे वो, इनएफिशिएंट वो जो टाइमली काम नहीं कर पा रहे होंगे। तो टेलर सजेस्टेड दैट द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दी जॉब शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय द इंट्यूशन, मतलब मैनेजर को अपनी इंट्यूशन या डिजायर से सेट नहीं करना चाहिए या उसकी विल के अकॉर्डिंग या विश के अकॉर्डिंग, बट टाइम स्टडी मस्ट बी कंडक्टेड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम। तो टेलर का मानना है कि इसके लिए क्या करना चाहिए, यानी कि टाइम स्टडी करनी चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि टाइम स्टडी मस्ट बी कंडक्टेड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम साइंटिफिकली, और टू कंडक्ट टाइम स्टडी टेलर सजेस्टेड टू ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर। उसके लिए भी उन्होंने बोला कि एवरेज वर्कर को आपको ऑब्जर्व करना है व्हेन ही इज अ परफॉर्मिंग द जॉब, जब वो जॉब परफॉर्म कर रहा हो विद अ स्टॉप वॉच इन हैंड, और आपके पास एक स्टॉप वॉच होनी चाहिए ठीक है, एंड नोट डाउन द एवरेज टाइम टेकन बाई द वर्कर इन कंप्लीशन द जॉब, और उसके बाद वो जॉब को परफॉर्म करने में, जॉब को कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है उसको आपको नोट करना है। टेलर सजेस्टेड टू रिपीट द सेम ऑब्जर्वेशन फॉर 100 टाइम्स, उनका सेम ऑब्जर्वेशन कम से कम उस बंदे के ऊपर आपको 100 टाइम्स आपको रिपीट करने हैं, एंड देन टेक आउट द एवरेज टाइम, उसके बाद एक एवरेज टाइम लेना है ठीक है। तो दिस टाइम शुड बी कंसीडर्ड द एवरेज टाइम, और यही टाइम एक तरह से क्या माना जाएगा, एवरेज टाइम माना जाएगा फॉर परफॉर्मिंग ऑफ द जॉब। कीपिंग दिस टाइम इन माइंड द टारगेट फॉर वर्कर शुड बी फिक्स एंड द वर्कर हु आर एबल टू अचीव देयर टारगेट इज इन स्टैंडर्ड टाइम आर एवरेज वर्कर। इफ द वर्कर इज एबल टू अचीव टारगेट बिफोर स्टैंडर्ड टाइम, और जो वर्कर टाइम से पहले टारगेट अचीव कर रहे हों तो वो हो जाएंगे एफिशियंट वर्कर, एंड इफ द वर्कर फेल टू अचीव टारगेट इन स्टैंडर्ड टाइम, अगर कोई वर्कर मतलब विद इन टाइम नहीं अचीव कर पा रहा है टारगेट, तो उनको हम किस नाम से जानेंगे, इन एफिशियंट वर्कर के नाम से जानेंगे ठीक है। अब आगे बात की गई है बेटा, नेक्स्ट है मोशन स्टडी, किसके बारे में, मोशन स्टडी। तो मोशन स्टडी में उन्होंने क्या बताया कि मतलब जब वर्कर काम परफॉर्म करते हैं, टास्क परफॉर्म करते हैं, तो उस टाइम कई सारे अननेसेसरी मोशन भी करते हैं, तो उनको अननेसेसरी मोशन को एक तरह से रिड्यूस करना चाहिए, जिससे क्या है कि उनका वो टाइम एक तरह से प्रोडक्टिव बन सके। तो यहाँ पे मेथड स्टडी में मोशन स्टडी में उन्होंने क्या बोला है, यानी कि द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ मोशन स्टडी इज कंडक्टेड और द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोशन स्टडी आर, पहला कि डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ वर्कर व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब, जब वो जॉब परफॉर्म कर रहे हैं तो उनके मूवमेंट्स को इतना डिटरमाइन करना, और डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, और उनके कौन से प्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं, कौन से अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को रिड्यूस करना, फॉर कटिंग डाउन अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ वेस्टफुल मूवमेंट्स। अब जैसे कि मान लो कि आप कहीं बाइक वगैरह की रिपेयरिंग कराने के लिए जाते हैं, अगर एजेंसी जा रहे हैं तो वहां पे जो आप मैकेनिक है जो बाइक की रिपेयरिंग कर रहा है उसके सामने टूल बॉक्स रखा होता है ठीक है, तो वहीं से सारा सामान उठाता है। लेकिन अगर आप कहीं भी कोई प्राइवेट शॉप वगैरह पे किसी वहां पे जाते हैं, कोई रोड वगैरह पे शॉप है वो मैकेनिक कर रहा है, तो वहां पे पता चला बॉक्स एक है, मैकेनिक है चार, अब वो बार बार टाइम वेस्ट हो रहा है क्योंकि एक ही बॉक्स से सारा सामान उठाने जा रहे हैं, दुकान के अंदर रखा है रिपेयरिंग कर रहा है बाहर, तो इस तरीके से वो अननेसेसरी उसके मूवमेंट्स होंगे, उसमें एक तरह से टाइम वो ज्यादा ले जाएगा ठीक है। तो चलिए और ढंग से आगे समझते हैं, कह रहे टू डिजाइन सूटेबल इक्विपमेंट एंड टूल्स टू मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ वर्कर। तो वर्कर के अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को रिड्यूस करने के लिए जो टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो भी एक तरह से सही से डिजाइन किए हुए होने चाहिए। कह रहे टू कंडक्ट मोशन स्टडी टेलर सजेस्टेड टू ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर। यहाँ भी टेलर ने बोला कि मोशन स्टडी करने के लिए एवरेज वर्कर को आपको ऑब्जर्व करना है व्हेन ही इज परफॉर्मिंग द जॉब एंड नोट डाउन ऑल द मूवमेंट्स ही इज डूइंग, और के अलावा जितने भी मूवमेंट्स कर रहे हैं उन सभी को आपको नोट डाउन करना है। हाउ मेनी टाइम्स ही इज गेटिंग अप फ्रॉम हिज प्लेस, हाउ मेनी टाइम्स ही इज बेंडिंग डाउन एक्सेट्रा, रिपीटेड फॉर 100 टाइम्स आपको कम से कम ऑब्जर्वेशन रिपीट करना है विद डिफरेंट वर्कर। आफ्टर राइटिंग ऑल द मूवमेंट्स क्लासीफाई देम इनटू प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव,
मूवमेंट्स में क्लासिफाई करना है एंड मेक द स्ट्रेटजी टू कट डाउन और मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स। और स्ट्रेटजी बनाने की भैया अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कम से कम हो, ठीक है, जिससे उनका टाइम वेस्ट ना हो। तो टेलर एंड हिज एसोसिएट फ्रैंक गलीवर्थ, तो टेलर और उनके जो एसोसिएट थे वो कौन है, उनका नाम आपको ध्यान रखना है, टेलर एंड हिज एसोसिएट फ्रैंक गलीवर्थ वर एबल टू रिड्यूस मोशन इन ब्रिक क्लियरिंग फ्रॉम 18 टू जस्ट 5। टेलर डिमॉन्स्ट्रेटेड इन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी बाई 4 times बाई दिस प्रोसेस। उसके वजह से उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो कितने टाइम्स बढ़ गई थी, यानी कि 4 गुना बढ़ गई थी, ठीक है। इसके बाद उन्होंने बात करी आगे, जैसे एग्जाम्पल दिया कि वाइल ऑब्जर्विंग एन एवरेज वर्कर, if it is observed that worker has to bend frequently to pick up the tools from the toolbox placed under his table, then a stool can be placed near his seat to keep the toolbox so that worker does not waste his energy in bending again and again. The same energy he can use for improving his production capacity or efficiency level. और time study में मैंने already पहले ही बताया था कि यहाँ पे 4 चीजें आएंगी work study में, time study, motion study, method study and fatigue study, इन चारों को मिला के जरा से work study, ठीक है। अब आगे बात की गई है, नेक्स्ट जो आपकी एक टेक्निक है वो है डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि डिफरेंशिएट करना है हमें किसको, वेजेस को डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे टेलर का ये मानना था कि जो एफिशिएंट वर्कर हैं उनकी वेजेस रेट अलग होनी चाहिए, हाइयर रेट से पेमेंट करना है, और जो इनएफिशिएंट हैं उनकी वेजेस रेट अलग हो, उनको लो रेट से पेमेंट करना है। इससे होगा क्या कि जो वर्कर अपना टारगेट अचीव कर रहे होंगे और जो वर्कर अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे इनएफिशिएंट हैं, तो वो मोटिवेट होंगे इनएफिशिएंट वर्कर और वो एक तरह से एफिशिएंट वर्कर की कैटेगरी में मूव करने की कोशिश करेंगे, मोटिवेट होंगे। तो इसको बोला उन्होंने डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम, यानी कि वर्कर्स के एफिशिएंसी के बेस पे उनकी वेजेस डिसाइड करो, ठीक है। तो इसमें उन्होंने बोला है कि द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम एम्फेसिस ऑन पेइंग डिफरेंट रेट। तो ये जो टेक्निक है ये किस पे फोकस करती है, ऑन पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेज फॉर एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज। द टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम इंसिस्ट ऑन, ये किस पे फोकस करती है, पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस टू एफिशिएंट इन एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज। एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशिएंट, जो एफिशिएंट एम्प्लॉय है उनको एक्स्ट्रा वेजेस पेड करनी है। तो इससे होगा क्या कि विल मोटिवेट देम टू रिमेन एफिशिएंट, कि भाई वो एक तरह से एफिशिएंट वर्कर ही रहेंगे, मोटिवेट होंगे। और एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशिएंट एम्प्लॉय विल मोटिवेट इनएफिशिएंट एम्प्लॉय टू कम इन द कैटेगरी ऑफ एफिशिएंट एम्प्लॉय। व्हेन पेमेंट इज गिवन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस ऑटोमेटिकली द प्रोडक्शन विल बी मैक्स। इससे होगा क्या, एक तो प्रोडक्शन भी हाई होगा क्योंकि वो टारगेट अचीव कर पा रहे होंगे, तो एक तरह से उनको पेमेंट ज्यादा मिलेगा, तो ज्यादा से ज्यादा वर्कर यही प्रयास करेंगे कि उनका टारगेट अचीव हो जाए। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। दिस टेक्निक इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर फॉर एम्प्लॉइज टू परफॉर्म एफिशिएंटली। तो एक तरह से उनके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर होगा एम्प्लॉइज के लिए टू परफॉर्म एफिशिएंटली। करेक्ट टू कंडक्ट, आगे उन्होंने देखो क्या बात की है कि टू कंडक्ट और एडॉप्ट डिफरेंशियल वेज सिस्टम टेलर सजेस्टेड। देखो टेलर का मानना क्या था तो वो देखते हैं, टू कंडक्ट और एडॉप्ट डिफरेंशियल पे रेट सिस्टम टेलर सजेस्टेड दैट द कंपनी मस्ट फिक्स अ स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेज फॉर वर्कर्स प्रोड्यूसिंग स्टैंडर्ड आउटपुट और देयर टारगेट। जो टारगेट अचीव कर रहे हैं उनका रेट अलग होगा। द वर्कर हु प्रोड्यूस मोर देन द स्टैंडर्ड टारगेट मस्ट बी पेड विद अ हायर रेट। जो उस टारगेट से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उनको हायर रेट से पेमेंट करना है। एंड दोज हु आर प्रोड्यूसिंग लेस देन आउटपुट मस्ट बी पेड विद अ लेस रेट। और उनको देखो यहाँ पे एक उन्होंने क्या बताया कि स्टैंडर्ड रेट होगा, जो स्टैंडर्ड टारगेट अचीव कर रहे हैं उनको लिए स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट है मान लो कि 9 rupees पर यूनिट। और इसके अलावा जो टारगेट से ज्यादा अचीव ज्यादा करेंगे उनके लिए मान लो 10 rupees पर यूनिट, जो टारगेट से कम करेंगे उनके लिए होगा मान लो यानी कि 8 rupees पर यूनिट। और टारगेट है मान लो 100 यूनिट का, तो जो 100 यूनिट मैन्युफैक्चर कर लेगा उसको 9 rupees पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट। जो बंदा 100 से एक भी कम करेगा उसके लिए 8 rupees पर यूनिट, जो 100 से एक भी ज़्यादा करेगा उसके लिए एक तरह से होगा 10 rupees। तो इससे काफ़ी पेमेंट में डिफरेंस आ जाएगा। तो एग्जाम्पल उन्होंने लिखा कि इफ द टारगेट इज 10 यूनिट, जैसे अगर टारगेट कितने का होता है यानी कि 10 यूनिट पर डे है एंड
स्टैंडर्ड रेट मान लो रखा गया 50 पर रुपीज़, यानी कि जो 10 यूनिट मैन्युफैक्चर कर लेगा उसको 50 रुपये पेमेंट पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट होगा, यानी कि 500 रुपीज़। द वर्कर हु इज प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट मस्ट बी पेड 500 रुपीज़। द वर्कर हु इज प्रोड्यूसिंग, मान लो किसी ने 12 यूनिट बना ली तो उसको मान लो उन्होंने के हायर रेट रखा है उसके लिए 60 रुपये पर यूनिट, तो उसको 720 पेमेंट हो जाएगा। एंड द वर्कर हु इज प्रोड्यूसिंग लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट मस्ट बी टैक्स एंड पेनल एंड पेनलाइज बाई पेइंग लेस द स्टैंडर्ड रेट, उसके लिए रखा जाएगा 40 रुपए, जो टारगेट अचीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से उस बंदे को अगर जैसे किसी ने 8 यूनिट बना पाई तो उसको ओनली 320 पेमेंट हो रहा है। दिस डिफरेंस इन वेजेस विल मोटिवेट द वर्कर टू बिकम एफिशियंट एंड अर्न मोर। ठीक है, अब आगे जो लास्ट टेक्निक है वो बेटा कौन सी है, मेंटल रिवॉल्यूशन। तो मेंटल रिवॉल्यूशन जो टेक्निक है यहाँ पे बेटा ये जो बोला गया है कि देखो हर उसमें क्या बोलते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में दो वर्क ग्रुप वर्क करते हैं। ठीक है, तो इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर टू ग्रुप्स आर वर्किंग, मैनेजमेंट ग्रुप एंड वर्कर ग्रुप। ठीक है, तो दोनों को एक दूसरे के प्रति मेंटल एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है। देयर शुड बी अ नीड ऑफ चेंज इन देयर मेंटल एटीट्यूड टूवर्ड ईच अदर, क्योंकि यहाँ पे जनरली आपने जैसे उनका जो प्रिंसिपल पढ़ा था तो उस टाइम बताया गया था कि वर्कर्स ऑलवेज थिंक्स दैट दे आर ओवरबर्डन एंड पेइंग लेस, एंड मैनेजर ऑलवेज थिंक्स दैट वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग। तो दोनों एक तरह से राइवल के रूप में काम करते, तो उन्होंने कहा कि भैया दोनों को एक दूसरे को के साथ मिल के काम करना है, और दोनों के एक दूसरे के प्रति जो एटीट्यूड है मेंटली जो थिंकिंग है वो चेंज करनी है। तो इसको बोला गया मेंटल रिवॉल्यूशन टेक्निक के बारे में। तो मेंटल रिवॉल्यूशन में क्या बोला गया, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन आर, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, चेंज इन मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो मेंटल एटीट्यूड चेंज की बात हो रही है वो किसकी हो रही है, यानी कि वर्कर्स की एंड मैनेजमेंट की टू वर्क ईच अदर। सेकंड वी पॉइंट की कॉपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, यानी कि यहाँ एक कॉपरेशन की रिक्वायरमेंट है किसके, वर्कर्स की एंड मैनेजमेंट की, जिससे क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मैक्सिमम होगा और अपने आप दोनों को बेनिफिट होगा। सी पॉइंट है रूलिंग आउट फीलिंग ऑफ सस्पिशियस और प्रेजुडिस फ्रॉम द माइंड्स ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टू अडॉप्ट सिस्टमैटिक थिंकिंग। टेलर सेड दैट जनरली इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन वर्कर फील दैट मैनेजर एक्सप्लॉइट देम। ये चीज मैंने पहले ही बताई कि मतलब जो वर्कर्स का सोचना होता है कि वो क्या सोचना होता है कि दे आर ओवरबर्डन्ड है, उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है इस तरीके से, उनको कम पेमेंट मिल रहा है, तो ये सारी चीजें। तो इसलिए उन्होंने बोला कि टेलर सेड दैट जनरली इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स फील दैट मैनेजमेंट एक्सप्लॉइट देम, ओवरबर्डन्स देम विद एक्सेस वर्क एंड पेज देम लेस, उनको कम पेमेंट दिया जा रहा है। और दूसरी ओर जो मैनेजमेंट की थिंकिंग होती है वो क्या होती है कि मैनेजमेंट फील्स दैट वर्कर्स ऑलवेज ग्रम्बल, दे फॉलो गो स्लो पॉलिसी, डैमेज द इक्विपमेंट एंड वर्क केयरलेसली। वो द ग्रुप सस्पेक्ट each other in the technique of mental revolution. Taylor stated that there is a need to change the attitude of both the groups drastically. He referred to change as a revolution of mind to develop positive thinking and feeling of cooperation for each other. ठीक है, तो इस तरीके से इनकी हमने ये टेक्निक जो कंप्लीट कर ली है, जो टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है ऑफ टेलर की, तो वो आज कंप्लीट हो गई। इसके बाद बेटा जो क्वेश्चन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देंगे, जैसे कि ये जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, जैसे कि लिखा है द फॉर्मल रिस्पॉन्सिबल क्वालिटी ऑफ वर्क इज, तो वो कौन होता है, रिपेयर बॉस, डिसिप्लिनेरियन, इंस्पेक्टर, गैंग बॉस, तो इसके मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ, जो मैंने इसके पहले का जो वीडियो मतलब पोस्ट किया था जिसमें मैंने फंक्शनल फॉर्मेंस बताया था, तो इसका आप रिप्लाई करें मुझे कमेंट बॉक्स में। सेकेंड क्वेश्चन है कि रेस्ट इंटरवल इन जॉब्स आर डिसाइडेड बाई, तो जो रेस्ट इंटरवल होंगे जॉब में वो किस टेक्निक से डिसाइड करते हैं, मेथड स्टडी, फटीग स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, तो किससे डिसाइड करेंगे वो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। इसके अलावा थर्ड है यूनिफॉर्मिटी इन प्रोडक्शन कैन कम बाय यूजिंग फॉलोइंग टेक्निक ऑफ टेलर, तो यूनिफॉर्मिटी प्रोडक्शन में कैसे आएगी, मतलब समरूपता, एक रूपता, सिंप्लीफिकेशन से, मेथड स्टडी से, स्टैंडर्डाइजेशन से, या फिर टाइम स्टडी से, तो विच वन इज मोस्ट सुटेबल वो आप आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है फोर्थ कि फंक्शनल फॉर्मेंसिप इज द एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, तो इसमें कौन सा ज़्यादा सुटेबल है, तो वो चीज़ आपको बताना है, तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरी।